पीएम मोदी का राजस्थान दौरा फाइनल, कल सुबह 11:15 पर सीकर पहुंचेंगे पीएम। 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित, किसानों के खाते में डालेंगे करीब 17,000 करोड़। पीएम मोदी के सीकर दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत तमाम बीजेपी नेता ले रहे हैं तैयारियों का फीडबैक, प्रशासन भी अलर्ट। कारगिल विजय दिवस पर सीएम गहलोत का शहीदों को नमन, कहा दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों और विषम जलवायु में देश की रक्षा के लिए दुश्मन को परास्त करने वाले समस्त शहीद जवानों को कारगिल विजय दिवस पर सादर नमन। प्रदेश में राज्य अहिल्या बाई होलकर बोर्ड के गठन को मिली मंजूरी, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी, बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार जारी, मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा पर कोटा के वार्ड 54 में पहुंची पदयात्रा। जोधपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला न्यायालय में पेश किया गया चालान, जांच अधिकारी एडीसीपी निशांत भारद्वाज ने पेश किया चालान, महज 9 दिन में अनुसंधान किया गया पूरा। एसीबी के अजमेर में कार्रवाई, हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, श्रीनगर थाने में कार्यरत था हेड कांस्टेबल जयपाल सिंह। जयपुर शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद, अलग अलग जगह हुई 3 वारदातें, शिप्रापत और श्याम नगर थाना पुलिस कर रही पड़ताल। भरतपुर के सेवर में अज्ञात बदमाशों ने एटीएम मशीन को बनाया निशाना, एटीएम मशीन को उखाड़ ले गए बदमाश, पुलिस ने जिले भर में कराई नाकेबंदी। अजमेर में ख्वाजा मॉडल स्कूल के टीचर्स ने क्लासेस का किया बहिष्कार, वेतन विसंगति समेत अन्य मांगों को लेकर जताया विरोध। भीलवाड़ा में फर्जी छात्र नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से किया गया अभिषेक, राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा किया गया आयोजन, जिलाध्यक्ष मनीष बम समेत अन्य रहे मौजूद। जैसलमेर में जिला कांग्रेस कमेटी ने किया विरोध प्रदर्शन, मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर हनुमान सर्कल से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक का निकाला पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जालौर के भीनमाल में छात्र छात्राओं समेत अभिभावकों ने जड़ा स्कूल में ताला, शिक्षकों की कमी और पोषाहार में अनियमितता का लगाया आरोप, सरथला गांव की राजकीय विद्यालय का मामला। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, करीब 2.5 लाख के जेवरात किए पार। प्रतापगढ़ में गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन, गणेश मंदिर से निकाली गई कलश एवं पोथी यात्रा, 31 जुलाई तक होगा भागवत कथा का वाचन। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने आवास पर की जन सुनवाई, आमजन ने रखी अपनी समस्याएं, मंत्री ने अधिकारियों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। उदयपुर के सवीना में नलों में गंदा पानी आने से लोग परेशान, जलदाय विभाग के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का प्रदर्शन, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सिरोही के रेवदर में अनियंत्रित ट्रक पलटा, चालक के हाथों में आई गंभीर चोट, वहीं एक युवक भी हुआ घायल, दोनों रेवदर अस्पताल रेफर। भीलवाड़ा के बड़लियास में चोरी करने आए बदमाशों ने किया परिवार पर जानलेवा हमला, 2 घरों में चोरों ने मचाया जमकर उत्पात, हमले में दंपति समेत एक अन्य महिला हुई घायल। डूंगरपुर में शराब के लिए मांगे पैसे नहीं देने पर किया हमला, बदमाशों ने युवक के सर पर किया हमला, 2 गिरफ्तार। भीलवाड़ा के बिजोलिया थाने में मुहर्रम को लेकर हुई सीएलजी की बैठक, शांति प्रेम और भाईचारे से मनाने पर चर्चा, पर्यटक स्थलों पर भी पुलिस तैनाती को लेकर हुआ मंथन।
भीलवाड़ा के भीमगंज महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल पहुंचे कलेक्टर, स्कूल का औचक निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं, स्टूडेंट से सवाल जवाब कर किया पढ़ाई का आकलन। धौलपुर के बाड़ी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, मां ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। करौली शहर में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी, जिला हॉस्पिटल के सामने होटल के बाहर मिला शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। दौसा जिले में लगातार बढ़ रहा आई फ्लू का प्रकोप, अस्पतालों में एहतियात बरती जा रही सावधानी, बढ़ते मामलों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। चुरू जिले में आई फ्लू का बढ़ता प्रकोप, तनगढ़ और तारानगर में आई फ्लू का ज्यादा प्रभाव, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज ले मरीज। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में हुई फायरिंग का मामला, घायल ने अहमदाबाद में उपचार के दौरान तोड़ा दम। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ के दरबार में लगाया गया छप्पन भोग, भगवान सावलिया सेठ की सजीव झांकी भी निकाली गई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भगवान का आशीर्वाद। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर देश भर में रोष, अजमेर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जयपुर में जेवीवीएनएल का तकनीकी सहायक के द्वितीय ट्रैप, 1500 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, सरदार सिंह गुर्जर रंगे हाथ गिरफ्तार। जालौर के रानीवाड़ा में बारिश का दौर जारी, सभी नदी नाले उफान पर, वणधर बांध पहुंचा पानी, हुआ ओवरफ्लो, प्रशासन अलर्ट। नागौर में मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। थानागाजी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में लगाया धरना, प्रदेश सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर बोला हमला, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। सीकर में शहीद स्मारक पर मनाया कारगिल विजय दिवस, वीरांगनाओं का किया सम्मान, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया नमन। अलवर में आबकारी थाना पुलिस की कार्रवाई, हथकड़ शराब का परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथकड़ शराब और बाइक जब्त। विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन, डांसर ने लगाए जमकर ठुमके, भीड़ जुटाने को लेकर समर्थकों ने सजाया स्टेज। जोधपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मणिपुर हिंसा मामले को लेकर निकाली रैली, दोनों जिलाध्यक्ष, कांग्रेस प्रभारी, महापौर समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। झुंझुनू के खतेहपुरा गांव में व्यापारी पर जानलेवा हमले का मामला, पोल्ट्री एसोसिएशन ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर में लूट का अनोखा मामला, लुटेरों ने पुलिस के भेष में की लूट, वृद्धा के गहने लेकर चोर हुए फरार, घटना को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश। जालौर की सायला थाना पुलिस की कार्रवाई, एक ही नंबर की दो गाड़ियां जब्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में मेडिकल टीचर्स के विरोध का अलग अंदाज, ओपीएस विसंगति को दूर करने की मांग, मेडिकल टीचर्स भी मांग कर जताएंगे विरोध। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी का मणिपुर घटना को लेकर पैदल मार्च, केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, दोषियों को फांसी की सजा। अलवर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, मंत्री टीकाराम जूली के घर के बाहर किया हंगामा, प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर जताया विरोध। बीजेपी कार्यालय में सीपी जोशी का संबोधन, बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बने भागीरथ चौधरी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बने चंपालाल गेदर।
कोटपुतली में झमाझम बारिश का दौर जारी, तेज उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कें बनी दरिया, निचले हिस्सों में भरा पानी। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का सिरोही में जोरदार प्रदर्शन, अहिंसा सर्कल से कलेक्ट्री तक कांग्रेसियों ने निकाला पैदल मार्च, कलेक्ट्री गेट पर दिया धरना।